press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो, वेलकम टू testbook.com. SSC JEE का जो सिलेबस है वही RRV JEE ने सिलेबस में मेंशन किया है. तो अकॉर्डिंग टू SSC JEE जो मशीन होती है वो 30-40 मार्क्स पूछी जाती है. इसका मतलब हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि RRV JEE भी 30-40 मार्क्स से मशीन से क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है ट्रांसफार्मर. और ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में 6-8 क्वेश्चन बनते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आज के हम इस वीडियो में बेसिक ऑफ ट्रांसफार्म कंप्लीट करेंगे, जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा. जो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी हमने आज क्लास में पढ़ा है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो आपको पता है जो पावर स्टेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पावर स्टेशन लिया 110 मेगावाट का. ये 110 मेगावाट पावर जनरेट करता है. और आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई पावर स्टेशन है, आपको पावर ट्रांसमिट करनी है यहाँ पर. और ये डिस्टेंस है नियर अबाउट 1000 किलोमीटर. तो क्या इतनी पावर ट्रांसफर करना पॉसिबल है विदाउट ट्रांसफार्मर? देखो क्या होगा, 110 मेगावाट पावर स्टेशन है. मैंने बोला कि ये 11 किलोवोल्ट का जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ठीक है, जब 11 किलोवोल्ट का वोल्टेज जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये वोल्टेज हुआ, तो करंट कितना होगा? करंट होगा टोटल पावर 110 अपॉन 11, ये इक्वल्स टू होगा 10 किलो एम्पियर. तो आप देखो, तो जो वोल्टेज है वो 11 किलोवोल्ट और जो करंट है वो 10 किलो एम्पियर करंट जनरेट हो रहा है. तो देखो, आपको पता है कि करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा, उतना ही मोटा कंडक्टर आपको ज़रूरत पड़ेगी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए. तो सबसे पहले करंट इंक्रीज हो गया है, इसकी वजह से जो कंडक्टर साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से जो कॉस्ट है ट्रांसमिशन कॉस्ट वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, सेकेंड आपको पता है करंट, इतने करंट यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, इसकी वजह से क्या होगा, पावर लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि पावर लॉस होता है I2R, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो जितनी आप पावर यहाँ से ट्रांसमिट करोगे और एंड पर जाकर जो ये डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, यहाँ पर जाके जो पावर होगी वो बहुत कम पहुँचेगी क्योंकि बीच में पावर का लॉस हो जाएगा. तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं. तो हमने क्या किया, हम एक काम कर सकते हैं, एक कंपोनेंट हम लेके आए, वो जिसे बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि जो करंट और वोल्टेज है उसका लेवल इंक्रीज और डिक्रीज किया. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर यूज़ करके हम पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो देखो कैसे करेंगे. तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है. ये स्टैटिक डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन AC सर्किट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर. मतलब वो डिवाइस, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, जो वोल्टेज और करंट है उसका लेवल इंक्रीज और डिक्रीज करती है विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब ये है, इनपुट में जैसे आपने अप्लाई की 50 हर्ट्स, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी 50 हर्ट्स मिलेगा. मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती, सिर्फ वोल्टेज और करंट का लेवल चेंज करता है ट्रांसफार्मर. ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो AC पर वर्क करता है, वो DC पर वर्क नहीं करता. तो देखो ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी टर्न्स N1 है, सेकेंडरी टर्न N2 है. यहाँ पर आपने इनपुट में एक साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाई किया है जिसे मैंने बोला V1. यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है जिसे मैंने बोला I1. इस I1 की वजह से क्या होगा, ये कॉइल में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. और वो फ्लक्स क्या है, यहाँ पर इस कोर में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इस फ्लक्स को मैंने बोला फाई. ये जो करंट है आपका वो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका मतलब जो फ्लक्स होगा वो भी
चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा, मतलब आपने जो करंट अप्लाई किया है वो है di अपॉन dt, तो आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा आपको जो यहाँ पर फ्लक्स सेट हो रहा है कोर में वो होगा d phi अपॉन dt। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना, इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सेम सेकेंडरी साइड भी EMF इंड्यूस्ड होगी, तो मैंने बोला यहाँ पर E2 कितनी EMF इंड्यूस्ड होगी, माइनस N2 d phi अपॉन dt। ये फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक कर रहा है, इसका मतलब E1 जो इंड्यूस्ड होगी वो होगी माइनस N1 d phi अपॉन dt। फाई दोनों में कॉमन है इसलिए d phi अपॉन dt सेम है। इक्वेशन फर्स्ट बोला ऐसे इक्वेशन मैंने सेकंड बोला, जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन टू से डिवाइड किया मुझे मिला E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। दैट मीन्स जो EMF है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ अ टर्न्स के ऊपर। E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, और यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे मैं ए से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, वो होता है कि जैसे आप ये ट्रांसफार्मर था, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी है, तो आपको पता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होता है कि जितना आप पावर इनपुट में अप्लाई करोगे आउटपुट में आपको उतनी ही पावर मिलेगी। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि आउटपुट में वोल्टेज V2 है, करेंट I2 है, वो इक्वल्स टू होगा V1 इंटू I1। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2, और V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू E2 अपॉन E1। तो यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू ए। ए यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन होती है जिसे बोलते हैं हम EMF इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर बोला मैंने कि नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और जो फ्लक्स है वो है फाई, जो फ्लक्स है वो है फाई, तो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड हो रही है जैसे मैंने यहाँ पर E1 बोला, वो E1 इक्वल्स टू होगी, वो होगी 4.44 बी मैक्सिमम ए एफ एन 1। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की EMF इक्वेशन है, प्राइमरी साइड इतनी EMF इंड्यूस्ड हो रही है। सेम सेकेंडरी साइड की बात करेंगे तो सेकेंडरी साइड में क्या होगा, ये 4.44 सेम रहेगा, यहाँ पर N1 की जगह क्या आएगा N2। यहाँ पर B है B मैक्सिमम, आपको पता है B इक्वल्स टू होता है फ्लक्स अपॉन एरिया, B फ्लक्स डेंसिटी है, तो यहाँ से मैं phi इक्वल्स टू बोल सकता हूँ BA। तो यहाँ पर B मैक्सिमम और A, इसे मैं phi मैक्सिमम लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर E1 इक्वल्स टू आएगा 4.44 phi मैक्सिमम एरिया मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, यहाँ पर आपको पैरामीटर गिवन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाएगा कि फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे तो EMF क्या होगी, एरिया इंक्रीज करेंगे, एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कोर का, ये जो एरिया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो आप अप्लाई कर रहे हो, इसके डेरिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो अभी हमने कवर किया है बेसिक, उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन, जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो AC पर वर्क करता है, DC पर वर्क नहीं करता, क्यों नहीं करता। देखो जो AC होती है वो चेंज होती है, जो देखो हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन जो DC होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। तो जो
डीसी कांस्टेंट होती है, इसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा। जो ट्रांसफार्मर है उसकी कोर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेट नहीं होगा, इसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ जब ही इंड्यूस्ड होता है जब आपका फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। तो क्या होगा, यदि आप ट्रांसफार्मर में डीसी अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो डायरेक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट वर्क करेगी जो वाइंडिंग है, तो वहाँ बाइंडिंग में होके बहुत हैवी करंट फ्लो होगा। तो ट्रांसफार्मर ओनली वर्क ऑन एसी। इट ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है, तो वो वोल्टेज और करंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करता है, फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो आंसर होगा फोर्थ। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड मीन्स, मतलब ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी साइड है ये सेकेंडरी साइड है। जब आप सेकेंडरी साइड को ओपन रखते हो तो उसका मतलब होता है नो लोड। तो नो लोड मीन्स होता है देयर इज नो लोड ऑन सेकेंडरी साइड, मतलब आपने सेकेंडरी साइड पर कोई लोड कनेक्ट नहीं किया। लोड मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पर आपने ट्यूबलाइट लगा दी या बल्ब लगा दिया या आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाया जो कि इस पाथ को क्लोज कर रहा है। इन अ ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो ओनली ट्रांसमिट करती है ड्यू टू, किसकी वजह से ट्रांसमिट करती है, वो करती है मैग्नेटिक फ्लक्स। द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टर्न टू प्राइमरी इन ट्रांसफार्मर इज 3। तो देखो ट्रांसफार्मर रेशियो अभी हमने पढ़ा था, N2/N1 आपको गिवन है 3। इफ द EMF इन सेकेंडरी कॉइल इज 600 volt, आपको पता है N2/N1 इक्वल्स टू होता है V2/V1। N2/N1 आपको गिवन है, V2 आपको गिवन है, V2 दिया है आपको 600 volt, V1 आपको पता करना है और N2/N1 गिवन है 3। ठीक है, तो V1 क्या आएगा, प्राइमरी वोल्टेज 200 volt, तो V1 इक्वल्स टू 200 volt। नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस मीन्स, मतलब जो कॉयल है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब होगा जब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है और जो पावर लॉस होती है वो रेजिस्टेंस की वजह से होती है, जो इस कॉइल का रेजिस्टेंस है वो 0 है और पावर लॉस किस में होती है, रेजिस्टेंस में होती है। तो क्या होगा, नो ओमिक पावर लॉस, जब बाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर पावर लॉस नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और वो नो लोड और फुल लोड पर कैसे वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।